में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ठगों के नए नए पैतरों से आम लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। शहर में ऐसे ही ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार ठगी का शिकार महालेखाकार कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी हुआ है। दरअसल कर्मचारी योगेश कुमार ने त्योहार में ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मोबाइल हैंडसेट मंगवाया था। पार्सल ब्लू डॉट कोरियर कंपनी से आने वाला था, लेकिन तय समय पर नहीं पहुंचा। तब कर्मचारी ने गूगल से इस कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर निकाला और शिकायत दर्ज कराई। इस साइट से उसे एक लिंक मिला जिसमें 10 रुपए का पेमेंट करने पर पार्सल 24 घंटे में भेजने का झांसा दिया गया। कर्मचारी ने इस लिंक को खोलकर पेमेंट कर दिया। इसके बाद उसके खाते से 6 बार में 90,300 रुपए निकल गए। ठगी की इस घटना के बाद कर्मचारी योगेश कुमार ने विधानसभा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इसमें 420 का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया था, जब मोबाइल नहीं आया तो उसमें फिर कस्टमर केयर का नंबर खोज के उसमें कॉल किया। उसमें बताया गया कि इसमें 10 रुपए का बैलेंस डलवाना है, तो जब 10 रुपए का बैलेंस ऑनलाइन उसने डाला तो उसके फिर उसके 90,000 रुपए उसके जो अकाउंट से थे वो अकाउंट के 90,000 रुपए उसमें ट्रांसफर हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है।